नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में बात करने वाले दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जहां पे लगातार अच्छे न्यूज आ रहे हैं दोस्तों। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये स्टॉक में बहुत ही बड़ा अप मूव हो सकता है। कौन सी न्यूज है और क्यों ये स्टॉक में ज्यादा दोस्तों अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी हमें दिख रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। कल हमने डिस्कस किया था कि दोस्तों कौन सी पीएसयू बैंक का दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, उसके ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस किया था। और दोस्तों जोमेटो का शेयर अब क्यों अच्छा पैसा बना के दे सकता है, उसके ऊपर ब्रोकरेज के टारगेट क्या है और दोस्तों बॉटम क्यों बन चुका है, उसके ऊपर डिस्कस किया था। अब बात करते हैं दोस्तों LIC, यहाँ पे न्यूज देखिए दोस्तों, नॉट अ समीर गहलोत, LIC इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, CEO का बोलना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर ही हम हैं, और यहाँ पे देखिए प्रमोटर के पास 9.72% दिसंबर 2021 का होल्डिंग है, और FII के पास है 29.07%। जहाँ पे FII ने अपना जो था होल्ड शेयर होल्डिंग वो इंक्रीज किया है, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो दोस्तों सारे हैं, बहुत सारे नाम है, बट किसी का जो हमारे DII में LIC का नाम है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, जिनका 9.86% का स्टेक है। तो कोई FII या कोई और किसी और के पास नहीं है, जो उनके जो सी जो प्रमोटर थे समीर गहलोत, उनके पास भी नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ LIC के पास है, जो भरोसे का ब्रांड है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है वो 43.35% है दोस्तों, और वहां पे भी दोस्तों हमें एक भरोसेमंद नाम है, वो है राकेश झुंझुनवाला जी, जिनका 1.08% का शेयर होल्डिंग है दोस्तों। तो LIC एंड राकेश झुंझुनवाला दोनों का होल्डिंग ये स्टॉक में बना हुआ है। तो शायद दोस्तों जो स्टॉक में ईडी का जो अपने को प्रॉब्लम आया था, उसके बाद दोस्तों ईडी का जब प्रॉब्लम आया उसके बाद जबरदस्त गिरावट हुई दोस्तों, बिल्कुल नीचे आया, फिर दोस्तों कंसोलिडेशन करने की कोशिश की। अब दोस्तों एक ऐसे लेवल के ऊपर आ चुका है जहां से ब्रेकआउट हमें मिल सकता है, अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। क्या है लेवल, उसके ऊपर बात करें। उससे पहले दोस्तों और भी न्यूज है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने जो अपना इंटरेस्ट पेमेंट है वो दोस्तों ड्यू डेट था वहीं पे दोस्तों उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। दूसरा दोस्तों यहां पे अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स हुए टू कन्वर्जेंस ऑफ USD 4.50% सिक्योर्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ड्यू 2026 FCCBS इनटू इक्विटी शेयर दोस्तों। पूरा मामला क्या है कि दोस्तों जो उनको पेड अप शेयर कैपिटल है ऑफ द कंपनी इंक्रीज टू 93,71,43,008 डिवाइड इनटू 46 करोड़ फुल्ली पेड अप कैपिटल शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ INR 2 ईच इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ FCCBS दोस्तों। और ये जो है उनको पड़ता है दोस्तों जो अलर्ट हुआ है शेयर ओवर 30 लाख शेयर एट 234.05 ऑफ PCs टू FCCB होल्डर्स और टू रिसीव द नोटिस दैट द कन्वर्जेशन ऑफ FCB फॉर अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ $10 million एंड द कंपनी ऑन थर्सडे इश्यू द अलॉटमेंट ऑफ 13,25,126 दोस्तों। तो कन्वर्जेंस हो चुका है। अब दोस्तों प्राइस एक्शन के ऊपर नजर डालते हैं, तो 161 का प्राइस था और वहां पे आप देखेंगे पिछले 5 दिन में स्टॉक में 6.65% की तेजी बनी है, बट एक मंथ के अंदर देखेंगे तो -3% की गिरावट है, और 6 मंथ के अंदर दोस्तों 25% से भी ज्यादा की गिरावट हो चुकी है ये स्टॉक के अंदर। एक साल के अंदर दोस्तों गिरावट का ही माहौल रहा है, और 5 साल के अंदर तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय करके दिया है स्टॉक ने अपना। और मैक्स टू मैक्स अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो 2013 से इन्वेस्ट है, उनका भी दोस्तों थोड़ा सा गिरावट का ही माहौल है। एक जमानों में अच्छा डिविडेंड पे करने वाला और अच्छा दोस्तों ग्रोथ स्टॉक था, जिसकी हालत खराब हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो फाइनेंशियल रेशियो है, जहाँ पे मार्केट कैप है 7,500 करोड़ का है, और यहाँ पे स्टॉक का पी बहुत ही सस्ता है दोस्तों। डिविडेंड वैल्यू जबरदस्त है, डिविडेंड यील्ड 5.59% है, जो काफी अच्छा माना जाएगा, और दोस्तों बुक वैल्यू के हिसाब से तो काफी डाउन है। क्या ये अंडर वैल्यू स्टॉक है या तो फिर दोस्तों हमें फंसाने की साजिश है। ROCE देखे तो 9.25 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.20 है, और PEG रेशियो -0.59 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन 87.5% है दोस्तों। और कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो दोस्तों 10,017 CR, मार्केट गैप जो है वो 7,005 करोड़ का है, और दोस्तों कैश इक्विवेलेंट उससे ज्यादा है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है दोस्तों, हमने बहुत सारे स्टॉक इस चैनल के ऊपर डिस्कस किए हैं, बट कभी भी ऐसा संयोग हमें मिला नहीं है दोस्तों। चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और रणनीति के ऊपर डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सा दोस्तों शॉर्ट टर्म का रणनीति मैं आपके लिए बताऊंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसका भी रणनीति हमारे पास रही दोस्तों। ये हमारा मंथली लाइन है 138 का,
जिसको दो बार छू लिया। दोस्तों ये लाइन कहाँ से आया था, मंथली चार्ट के ऊपर आया था, बट ये हमें वीकली चार्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूस दोस्तों उस लेवल को होल्ड कर रहा है स्टॉक, और इस ये दो वीक जो थे दोस्तों वहां पे भी होल्ड किया, मार्च में हुआ और फेब्रुआरी में होल्ड किया, अब दोस्तों स्टॉक ऊपर चला गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उनके लिए होल्ड है 138 का, अगर है इनके पास, बाय करना है तो बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मंथली चार्ट के ऊपर हम चले गए हैं दोस्तों, तो वहां से हमारा एक जो बड़ा कैंडल था दोस्तों, ये जो हमारा बड़ा कैंडल था 31 मार्च 2020 वाला एक ही मंथ में दोस्तों, जो मार्च 2020 में जो कोरोना का पैनिक हुआ था वहां पे हाई से लो बना था, वहां पे जो लेवल आ रहा है उसका 23.6% के रिट्रेसमेंट को भी स्टॉक ने पार नहीं कर पाया है, और 61.8% यानी कि दोस्तों जो नीचे का रिट्रेसमेंट है अगर एक बार पार हो जाए तो दोस्तों आराम से 215 तक के टारगेट हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार वेट करना चाहिए, एक बार 183 के ऊपर चला जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, फिर आप अपने पोजीशन बनाओ तो आप सेफगार्ड हो जाओगे, आपका रिस्क जस्टिफाई होगा। अब शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, तो दोस्तों बिल्कुल डेली चार्ट के ऊपर हमारा जो लाइन था, जो एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था दोस्तों कंटिन्यूअस चार्ट के ऊपर, उसको दोस्तों तोड़ने की कोशिश की बट तोड़ नहीं पाए दोस्तों। बहुत कंटिन्यूअस आप देखेंगे कि 24 फेब का दोस्तों लेवल था हाई, 25 फेब का हाई था दोस्तों 157, इवन आप देखेंगे कि 2 मार्च का था, 3 मार्च का था 156, और 4 मार्च का 155 था, 156 रुपीज था, 10 मार्च का था, और यहाँ पे आप देखेंगे क्लोज आया था 156 के ऊपर, बट दोस्तों बहुत ही बिटन डाउन हुआ था, बड़े वॉल्यूम के साथ दोस्तों अपन मूवमेंट हुआ था, बट उसके बाद आप देखेंगे कि दोस्तों स्टॉक जो है बिल्कुल यहाँ पे क्लोज नहीं आया, 156.90 का दोस्तों क्लोज आया था, बट दोस्तों पॉजिटिव क्लोज नहीं था, बट एक थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो ये गैप डाउन हुआ था दोस्तों उसको थोड़ा बेस करके फिल करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, जो गैप था उसको फिल कर रहा है स्टॉक। अब पॉजिटिव तो दोस्तों क्लोजिंग नहीं आया है, बट अगर आप 156 के स्टॉप लॉस के साथ इसको दोस्तों आगे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो पहला टारगेट जो आएगा 167 का आएगा, दूसरा जो है 173 का आएगा, और तीसरा है दोस्तों 180 का आएगा। 183 पे रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसको पार करता है तभी ये स्टॉक दोस्तों आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम दे सकता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड या निवेश कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों एंजल ब्रोकिंग में आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो दोस्तों जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां पे क्लिक करके दोस्तों फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, तो आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।